morning students, today we are going to start your first class of business studies, class 11, part 1st chapter. First start kar rahe hain business studies ka. Aapne accounts ki class dekhi hogi. Accounts mein humne basic accounting terms discuss kari hain. Accounts mein hum padhenge rules of debit and credit next class mein. Aaj hum start kar rahe hain business studies ki class 1st chapter 1st nature and purpose of बिजनेस. क्या पढ़ रहे हैं आप? बिजनेस स्टडीज. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. बट बिफोर डिस्कसिंग नेचर एंड पर्पस वी नीड टू नो व्हाट इज बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मीन्स ऑक्यूपेशन. ठीक है, बिजनेस क्या है? ऑक्यूपेशन, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं. बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच बिजनेसमैन एंगेज इन रेगुलर एक्टिविटीज. रेगुलर एक्टिविटीज होती है बिजनेस में. कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल्स फॉर प्रॉफिट अर्निंग विद सेटिस्फाई नीड्स ऑफ सोसाइटी. देखिए, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन. बिजनेस क्या है? ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, जिसमें एक बिजनेसमैन हु इज डूइंग अ बिजनेस रेगुलर एंगेज करता है एक्टिविटीज में. रेगुलर एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है एक बार कुछ एक्टिविटी हुई फिर उसे स्टॉप कर दिया. एक्टिविटीज कौन सी होगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को मार्केट से प्रोक्योर करना. देखो, कई तरह की कंपनीज होती है जो बिजनेस करती है. कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो अपने वही प्रोडक्शन करती है, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस होता है किसी भी बिजनेस का वो क्या होता है? सेल करना, और सेल करके प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, या तो प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योरमेंट करेंगे. प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. कुछ कंपनी जिनकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता, वो बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करती हैं. ठीक है, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, देन आगे सेल करती है. कुछ कंपनीज अपने यहाँ पे ही प्रोडक्शन करती हैं. तो कुछ भी, ये सारी बिजनेस की क्या है? एक्टिविटी है. कई तरह के बिजनेस होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी. ठीक है, प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं आप. ठीक है, प्रोडक्शन भी होता है, प्रोक्योरमेंट भी होता है गुड्स का. गुड्स मीन्स स्टॉक, माल, कुछ भी बोल सकते हैं. सेल्स, अल्टीमेट पर्पस क्या है? सेल को परफॉर्म करना, कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करना. लेकिन कोई भी बिजनेस है उसका मेन मोटिव क्या है? क्यों वो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, लॉन्ग टर्म तक कब एग्जिस्ट करेगा? विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट इन लॉन्ग टर्म. कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के बिना लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. लेकिन प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने गुड्स में मिलावट कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ चीट कर रहे हैं. ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव आपका अचीव होना चाहिए विद सेटिस्फाइड नीड ऑफ द सोसाइटी. आपको क्वालिटी में डिक्रीज नहीं करना है, क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से बिजनेस करें. ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के साथ हमें सोसाइटी की नीड को भी सेटिस्फाई करना होगा. आप अगर अपनी सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो एक बार तो आप हायर प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन आप देखिए क्या कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेगा? नहीं. लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट के लिए हमें अपनी सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है. और कोई भी बिजनेस है वो अगर एग्जिस्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका मोटिव क्या होगा? लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करना. क्लियर? देखिए, अभी हमने पढ़ा रेगुलर एक्टिविटीज. अभी एक्टिविटीज क्या होती है देखिए. बिजनेस में बेटा दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं. कितने तरह की एक्टिविटीज?
एक्टिविटीज होगी किसी भी बिजनेस में, दो तरह की एक्टिविटीज होगी। देखिए एक्टिविटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन एनी टाइप ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
देखा कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक, मनी के लिए डील करती है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये सारे काम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होंगे जिसमें मनी का कंटिन्यू, आप किसी से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसे मनी एक्सचेंज में देंगे आप, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए आप लेबर रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन होगा कंटिन्यू, तो ये सारी एक्टिविटी किस में आ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। और बिजनेस आपको अभी आपने देखा बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन है जिसमें रेगुलर एक्टिविटीज एंगेज होती है, और एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सोसाइटी। सेकंड देखिए, देखिए किसी भी चीज के करेक्टरिस्टिक्स या नेचर जो होंगे ना, कोई भी आप टॉपिक उठा के देखिए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, किसी का नेचर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन, चाहे आप नेचर से डेफिनेशन बना लो, चाहे डेफिनेशन से नेचर बना लो। देखो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको जब बताया थी डेफिनेशन तब भी बताया था कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं अपने यहाँ पे प्रोडक्शन, लेकिन ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे होती है, जिसका प्रोडक्शन काम है ना वो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन होता है कंपनी में, ऐसा नहीं है एक बार प्रोडक्शन हुआ फिर वो रुक गया, या तो कुछ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या तो वो अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, अदरवाइज दे प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड, प्रोक्योर मतलब अपने बिजनेस में गुड्स को लेके आना, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में लाना, फिनिश गुड्स के रूप में लाना, जिस टाइप का भी बिजनेस है, बिजनेस आपके कई तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व करती है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आपके यहाँ पे ही प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज आप बाहर से उन्हें प्रोक्योर करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल्स एक बार
सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वही बात, ऐसा नहीं कि आपने एक बार डील किया, एक बार कस्टमर के साथ डील कर ली और आपका काम खत्म हो गया। ये डीलिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। एक बिजनेस में जब तक रोटेशन नहीं चलेगा ना, तो मनी का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। मनी का फ्लो स्टॉप होते ही बिजनेस क्या हो जाता है, डंप हो जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप ये जो गुड्स प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे एक फ्लो में होनी चाहिए। कदम आप देखते रहे कि बिजनेस में कितना आपके पास स्टॉक है। ठीक है, बिजनेस में दो तरह के स्टॉक निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नेक्स्ट ईयर का कितना आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग होकर आ जाएगा, तो कितना हमारे पास इस साल का ओपनिंग स्टॉक नए ईयर के लिए है, कितना हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कितना प्रोडक्शन की जरूरत है। तो ये हम पहले से आइडेंटिफाई करते हैं रेगुलर बेसिस। बिजनेस हमेशा एक फ्लो में रेगुलर रन करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस में, बेटा जो आप मनी इन्वेस्ट करते हैं ना, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। ठीक है, अनसर्टेन है कि आपको रिटर्न कब मिलेगा और कितना मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए कोई भी बिजनेस है वो रिस्क पे एग्जिस्ट करता है। रिस्क हाई होगा तो प्रॉफिट भी हाई होगा। और ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है ना, ये किसको आइडेंटिफाई करता है, बिजनेस में रिस्क को। दैट मीन्स आपने अपने बिजनेस में रिस्क लिया है, और रिस्क लोगे, रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगा। रिटर्न हाई मतलब प्रॉफिट भी हाई होगा। लेकिन ये जो रिटर्न होता है ना, वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे होती हैं। ठीक है, आपने गुड्स सेल आउट किए क्रेडिट बेस पे डेटर्स को, अब वो कितने टाइम में पैसा आएगा। कई बार बिजनेस में बैड डेट्स भी हो जाते हैं, पैसा डूब भी जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका रिस्क हाई है तो बिजनेस इसी कंसेप्ट पे चलता है, रिस्क इंक्रीजेस रिटर्न इंक्रीजेस। ठीक है, रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आपके बिजनेस में लेकिन पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए बिजनेस की, आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क, अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट ऑफ रिस्क तो बिजनेस में होगा ही। कोई भी बिजनेस अगर रन करेगा तो अब वो ये नहीं सोच सकता कि मैं तो कैश में ही सारे ट्रांजेक्शन करूँगा, सब चीज़ कैश में ही होगी, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो हम क्रेडिट में करेंगे। बिजनेस में बेटा बहुत तरह के रिस्क होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क तो बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। आप जब बिजनेस करते हैं ना, ठीक है, तो बिजनेस के लिए बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, नहीं तो आज सब बिजनेस लेके बैठ जाए। ठीक है, बिजनेस के लिए तो सबसे पहले ब्रॉड माइंड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने रिस्क लेके, ऐसा नहीं है आप डर गए कि पता नहीं हम पैसा आएगा नहीं आएगा, हम क्रेडिटर डेटर्स हमें पैसा देंगे नहीं देंगे, हमने लोन ले लिया हम पे कर पाएंगे नहीं कर। अगर ऐसे सोचेंगे तो आप वैसे ही डिप्रेस हो जाएंगे, आप बिजनेस क्या करें। एलिमेंट ऑफ रिस्क तो बिजनेस में होगा ही होगा। ठीक है, बिजनेसमैन को एक ब्रॉड माइंड अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर के साथ, और रिस्क पड़ेगा तो रिटर्न अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तो रिटर्न कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न। नेक्स्ट जो मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न। अभी हमने पढ़ा कोई भी बिजनेस है उसका मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न। रिस्क किस लिए ले रहा है, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट के लिए ही कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ द एनी बिजनेस, बट विद द सेटिस्फाई नीड ऑफ द सोसाइटी। प्रॉफिट अर्निंग के साथ आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपकी सोसाइटी की जो नीड है ना, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, वो चीज़ उन्हें मतलब अवेलेबल होनी चाहिए, उनकी नीड सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इज विद द नीड ऑफ द सेटिस्फाई नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को हमें सेटिस्फाई करना और जरूरी है, क्योंकि आपको जो बिजनेस रन करना है लॉन्ग टर्म सोसाइटी में ही करना है। एक बार चीट करोगे तो क्या वो आपको दोबारा बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न
सेटिस्फाई नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉपी कीजिए, चैप्टर को रीड आउट कीजिए। बिजनेस रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, आप हर चीज को बहुत अच्छे एग्जांपल से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, कल हम आगे डिस्कस करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थैंक यू।